हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल लव ग्रीम पेंटर में। और फ्रेंड्स, आज हमने फ्लोर पेंट का बारे में वीडियो लेके आया, और आज जो वीडियो लेके आया है इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको एशियन पेंट्स का फ्लोर गार्ड का बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिए, जो पूरा डिटेल से हमने इस पूरा वीडियो में दिखाया है आपको। तो दोस्तों, हमारा साथ रहिए और पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है एशियन पेंट्स का एपेक्स फ्लोर गार्ड, जो हाई परफॉर्मेंस फ्लोर कोट है, एपेक्स फ्लोर गार्ड एशियन पेंट्स का। तो दोस्तों, इस पेंट को हम जब करेंगे तो इसको हम कहाँ कर सकते हैं, पहले इसको कहाँ हम कर सकते हैं। तो ये जो सीमेंट में बना हुआ जो फ्लोर होता है हमारा घर का, तो सीमेंट का बना हुआ फ्लोर में हम इस फ्लोर कोट को कर सकते हैं। चाहे आप इसको पार्किंग जोन में भी कर सकते हैं आप, और घर का अंदर बाहर, मतलब किसी भी फ्लोर जो सीमेंट का बना हुआ है इस फ्लोर में आप कर सकते हैं। तो इस फ्लोर को करने के लिए, मतलब जैसे कि अगर नया वाला फ्लोर हो, नया वाला फ्लोर सीमेंट का बना हुआ है, तो इसमें हम इस पेंट को कर सकते हैं। और जो पुराना वाला फ्लोर है, पुराना वाला फ्लोर में भी हम ये एपेक्स फ्लोर गार्ड कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नया वाला फ्लोर में हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हमने घर का अंदर या बाहर सीमेंट का बना हुआ फ्लोर किया है, तो इस फ्लोर अगर नया वाला है तो इसमें कम से कम एक महीना सूखा होना चाहिए फ्लोर को। मतलब सूखा हुआ फ्लोर में ही हम ये पेंट करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा है, लॉन्जिविटी जो रहता है वो अच्छा रहेगा। अगर मतलब हमने नया नया घर बनाया, नया नया फ्लोर बनाया और उसके ऊपर अगर ये चढ़ा देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले नया वाला जो घर हम फ्लोर बनाएंगे तो उसको अच्छे से कम एक महीना तो सूखा होना चाहिए। बस सूखने के बाद ही हम ये फ्लोर कोट कर सकते हैं। और क्या करेंगे, नया वाला फ्लोर में अगर हमने नया नया पेंट किया तो उसके ऊपर पेंट गिर सकता है फ्लोर में, या कुछ मतलब ऐसे वेस्ट भी रह सकता है, कुछ मिट्टी वगैरह हो, ग्रीस हो, ऑयल हो, कुछ भी रह सकता है। तो इसको हम पहले अच्छे से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद पोछा मारेंगे, फिर अच्छे से सुखाएंगे, बाद में हम इसको नया वाला फ्लोर में करेंगे। और दोस्तों, अगर हम पुराना वाला फ्लोर में करेंगे तो क्या करेंगे, पुराना वाला जो फ्लोर होता है उसमें ऑयली ऐसा कुछ रहता है, मतलब ज़्यादा दिन चलते चलते उसमें थोड़ा ऊपर में ऑयली भाव आ जाता है। तो क्या करेंगे, पुराना वाला फ्लोर में भी ज़्यादा मतलब ऐसा कचरा कुछ रहता है, तो पुराना वाला जो फ्लोर होता है उसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। उसमें अगर जैसे कि ऑयल हो, ग्रीस हो, ऐसा कुछ भी रहता है, मतलब वेस्ट ऐसा कुछ रहता है जो चलते समय लग जाता है फ्लोर में, तो उसको हम पहले अच्छे से क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद फिर उसको चाहे तो हम धो भी सकते हैं फ्लोर को। अगर हमने धो लिया फ्लोर को तो वो फ्लोर धोने का बाद अगर अच्छे से सूखे तभी हम फ्लोर कोट डालेंगे। और दोस्तों, इस फ्लोर कोट को हम जब मिक्स करेंगे, तो वीडियो में तो देखेंगे आप कैसे हमने किया, तो अभी इसको जब हम अगर मिक्स करेंगे तो पानी से मिक्स करेंगे, वाटर पेंट है तो इसको दोस्तों हम पानी जब डालेंगे ना तो 100 ml से 200 ml तक पानी एक ही लीटर में हम डाल सकते हैं। कंपनी जो कह रहा है इसमें हम 100 से 200 ml पानी इसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम सूखा हुआ जो फ्लोर है उसमें एक कोट डाल देंगे, ब्रश चाहे रोलर से डाल देंगे एक कोट। और एक कोट अगर हमारा काम हो गया तो कम से कम 3 से 4 घंटा इसको सुखाना चाहिए। 6 घंटा भी सुखाएंगे तो चलेगा, अच्छा होगा। तो सूखने का बाद मतलब 4 से 6 घंटा या 3 से 4 घंटा ऐसा कुछ सुखाने का बाद ही हम सेकंड कोट डालेंगे। सेकंड कोट जब डालेंगे, एक ही बात है, सेकंड कोट में भी हम इसका अंदर 100 ml से 200 ml तक पानी हम दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 घंटे का बाद या 6 घंटे का बाद हम सेकंड कोट डालेंगे, सेम प्रोसेस ऐसे ही हम सेकंड कोट करेंगे। और अगर ये काम पुराना वाला हो या चाहे नया वाला फ्लोर हो, कुछ भी हो, हमने अगर इसको सेकंड कोट कर लिया तो हम क्या करेंगे, 24 घंटे से 72 घंटे तक हम इसका ऊपर और फिर नहीं चलेंगे। मतलब इसको सेकंड कोट करने के बाद अच्छे से सूखे और 24 से कम कंपनी जो कह रहा है 24 से लेके 72 घंटा तक हम इसको ऊपर नहीं चलेंगे, तो इसका लॉन्जिविटी और सूखने का जो काम है अच्छा होगा। इसलिए हम इसमें 24 से 72 घंटा
फाइनल होने के बाद नहीं चलेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे। और दोस्तों ये जो एपेक्स जो फ्लोर गार्ड है, हाई परफॉर्मेंस फ्लोर कोट जो है, इसको कंपनी जो कह रहे हैं 2 साल का परफॉर्मेंस वारंटी है। तो 2 साल का परफॉर्मेंस वारंटी है तो मेरे हिसाब से ये तो 3 साल 4 साल ऐसे ही चला जाएगा अगर आपका फ्लोर सूखा हुआ अच्छा हो। मतलब दोस्तों और एक बात मैं कहूँगी, अगर कोई पुराना वाला फ्लोर हो सीमेंट का बना हुआ या नया वाला हो, अगर वो फ्लोर में अगर पानी आ जाए नीचे से, मतलब जैसे कि बारिश का टाइम आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर में क्या होता है ना, नीचे से पानी आ जाता है, तो जैसे कि पसीना का जैसा फ्लोर में पूरा भीग जाता है, तो ऐसा वाला कोई फ्लोर हो तो इसमें ना करना ही सही होगा। क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे ना तो बारिश का टाइम अगर ऐसा फ्लोर में पानी आ जाएगा नीचे से तो ये पेंट नहीं रहेगा शायद। तो इसीलिए सूखा हुआ जो फ्लोर होता है उसमें ही करिए, और मतलब ऐसा फ्रेश फ्लोर में ही करिए। तो ये था दोस्तों फ्लोर कोट का बारे में बात, और अभी हम आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे हम कैसे मिक्स किया, हम कैसे काम किया इस फ्लोर कोट का। तो ऐसा ये पूरा वीडियो आपको अभी दिखाएंगे। और दोस्तों इसका कलर आपको जो चॉइस करना है कौन सा कलर आप करेंगे, तो इसका जो शेड कार्ड कैटलॉग जो मिलता है शेड कार्ड एशियन पेंट्स फ्लोर कोट का, तो उस कैटलॉग से आप देख के इसका कलर चॉइस कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो नया है हमारा वीडियो में, नया है चैनल में आया है, तो मैं कहूँगी आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के हमारा साथ रहिए, ताकि हम जितना भी वीडियो ऐसा पेंटिंग का बारे में जितना भी वीडियो डाले आपके पास पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स आप यह देख सकते हैं हमने पहले जो फ्लोर है नया वाला फ्लोर हमने पेंट अभी करेंगे, तो इस फ्लोर को हम पहले इसको ऊपर जो पेंट आया है आप देख सकते हैं यहाँ, तो हम इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जो क्लॉथ पेपर है 80 नंबर या कुछ वाटर पेपर से भी आप क्लीन कर सकते हैं इसको। फिर क्लीन करने के बाद इसको झाड़ू मारेंगे पूरा अच्छे से। झाड़ू मारने के बाद अभी आप देख सकते हैं हमने अभी इसको पोछा मारेंगे, क्योंकि इसको ऊपर थोड़ा सा मिट्टी धूल वगैरह है इसमें, तो उस इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, पोछा मार लेंगे पहले। और दोस्तों पोछा मारने का बाद इसको अच्छे से सुखाएंगे भी। तो दोस्तों हमने पोछा मार लिया, और अभी पोछा मारने के बाद हमने इसको अच्छे से सुखा भी लिया है फ्लोर को। अभी हम पेंट मिक्स करेंगे, और पेंट मिक्स करके हम इसमें फर्स्ट कोट चढ़ाएंगे, और आप देख सकते हैं इसमें हम 200 ml पानी ही डालेंगे, 1 लीटर में हम 200 ml पानी डालेंगे। और दोस्तों हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, पहले भी हमने बोला है इसको 200 ml पानी दिया हमने 1 लीटर में, और इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया। और अभी हम फ्लोर में एक कोट डालेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले साइड में जो कॉर्नर है साइड कटिंग कर लेंगे ब्रश से, बाद में हम रोलर से पूरा मारेंगे। और दोस्तों हमने यहाँ एक ही कलर यूज़ किया है, अगर आपको चाहे तो आप यहाँ डिजाइन करके 2-3-4 कलर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर आपको अगर पसंद आए 2-3 आप डिजाइन करके कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक कलर करेंगे पूरा जो फ्लोर है एक ही कलर करेंगे। इसलिए पहले साइड का जो कॉर्नर रहता है इसमें हम ब्रश से कटिंग कर लेंगे, और बाद में रोलर से पूरा मार देंगे पेंट।
और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने 4 इंच वाला जो छोटा रोलर है, इस रोलर से हम फ्लोर में पेंट करेंगे। तो रोलर से कैसे करेंगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों अभी फर्स्ट कोट होने वाला है और आप देख सकते हैं यह फर्स्ट कोट कर लिया हमने और इसको 6 घंटा हमने सुखा लिया। फिर अभी इसको ऊपर सन कोट डालेंगे और देख सकते हैं अभी नीचे का जो कलर है थोड़ा दिखता है, मतलब एक ही कोट में गया नहीं वो कलर। तो अभी हम सन कोट करने के लिए साइड में कटिंग कर रहे हैं और अभी सन कोट डालेंगे तो ना नीचे का जो कलर है वो दिखाई नहीं जाएगा, हमने जो कलर फ्लोर पेंट का जो कलर है वही अच्छे से दिखेगा। तो आप इसको अच्छे से सन कोट करना चाहिए आपको। और दोस्तों हम जब सेकेंड कोट के लिए जो पेंट मिक्स किया तो इसे भी हमने 200 ml पानी मिलाया और अच्छे से मिक्स किया, फिर हम सेकेंड कोट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप चाहे तो इसको आप सेकेंड कोट का टाइम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स करके डायरेक्ट पानी ना दे के भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हमने सेकंड कोट कर लिया, अभी देख सकते हैं आप कितना चमक आया है सेकंड कोट करने में और सूखने का बाद।